एक जंग हुई है यरमूक, जिसमें रोम की ताकत टूट गई। उसमें 300,000 थे रोमी, 30,000 थे सहाबा ताबेईन। रोमियों के लश्कर में 60,000 अरब थे। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा कि आज सिर्फ अरब निकलें ताकि ये लोहा लोहे से टकराए। एक दिन तय हुआ कि कल जो लड़ाई होगी सिर्फ अरब अरबों से लड़ें। तो ये खबर पहुंची हजरत खालिद को, तो उन्होंने अबू उबैदा से फरमाया मुझे 30 आदमी दे दो, 30, मैं 60,000 से लड़ने जाता हूं। अबू सुफियान कहने लगे मजाक कर रहे हो? कह रहे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो क्यों बुजदिल बनता है? इस्लाम लाने के बाद बुजदिल हो गया है, जाहिलियत में जब्बार, इस्लाम में बुजदिल। कहने लगे मैं बुजदिली की बात नहीं, इंसाफ की बात करता हूं। 30 आदमी थोड़े हैं, तूने अगर कुछ करना है तो 60 लेके जा। 60 आदमी 60,000 के लिए, 60 आदमी 60,000 के लिए। किसी फौज के कानून से पूछो, किसी जर्नल से पूछो, आज के पिछले दौर में 60 आदमी 60,000 से लड़ने जा रहे हो, कोई है अकल में आने वाली बात? तो हजरत अबू बैदा फरमाने लगे भाई खालिद 30 थोड़े हैं, 60 ले जाओ। कहेंगे बात यह है अबू बैदा, इस लश्कर में, तेरे लश्कर में, उस अमीर अबू बैदा थे, इस लश्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं, जब अल्लाह के सामने ऐसे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली वापस कभी भी नहीं लाता। इस लश्कर में ऐसे लोग हैं, इस 30,000 के लश्कर में 1,000 सहाबा थे और 29,000 ताबईन थे। कब मैं जानता हूं इसी मजमे में हैं, जब वो यूं हाथ उठाते हैं और या अल्लाह कहते हैं तो कभी अल्लाह उनका हाथ खाली वापस नहीं लाता। तो हजरत अबू बैदा कहने लगे फिर तू चुन ले 60 आदमी। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने नाम लेने शुरू किए, ऐन फजल इब्न अब्बास, सबसे पहले अहले बैत से शुरू किया, फजल इब्न अब्बास कहां हैं, ऐन जुबैर इब्न अवाम, जुबैर बिन अवाम कहां हैं, ऐन अमर इब्न तमीमी, अमर तमीमी कहां हैं। सबसे बड़ा डाकू बनू तैका राफे बिन उमेरा, अल्लाह के नबी ने क्या मेहनत की थी कि वो कितने नंबर पर आ रहा है, किन लोगों में आ रहा है? खालिद बिन वलीद उन लोगों को बुला रहे हैं कि जब वो यूं हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली नहीं लौटाता, जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं तो अल्लाह उनकी झोली खाली वापस नहीं लाता। तो चौथे नंबर पर किसको बुलाया? कहा ऐन राफे इब्न उमेरा अत्ताई, वो अदी के कबीले का सबसे बड़ा डाकू, वो राफे बिन उमेरा कहां है? चौथे नंबर पे आ गया, सारे अरब का बड़ा डाकू चौथे नंबर पे किन लोगों में आया? जो हाथ उठाए तो अल्लाह हाथ खाली नहीं लौटा था। अब्दुल्ला बिन उमर कहां है? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहां है? उबादा बिन सामित कहां है? अमर तमीमी कहां है? हुज़ैफ़तुल यमान कहां है? ये 60 आदमियों में से एक भी ताबई नहीं, सब सहाबा हैं, सारे सहाबा को निकाला, ताबई एक भी नहीं निकाला। 44 अंसार, 44 अंसार निकाले 16 मुहाजरीन में से। तो एक अंसारी कहने लगा खालिद अपनी कौम को बचाता है, हमें आगे करता है। तो खालिद इब्न वलीद ने फरमाया नहीं, अल्लाह की कसम मैंने देखा हमेशा मुश्किल वक्त में अल्लाह मदीने का नबी, अल्लाह का नबी मदीने वालों को आगे करता था, हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का नबी अंसार मदीना को आगे करता था, मैं उसकी वजह से तुम्हें आगे कर रहा हूं। तो कहने लगे हां सच कहते हो। 44 अंसारी और 16 महाजरीन और 60 आदमी, और ये 60,000 ईसाइयों से लड़ने जा रहे। अरब का एक कबीला मुसलमान नहीं हुआ था, बनू गस्सान,
उनके नसीब में महरूमी थी, वो आज भी ईमान से महरूम रहे। तो ये 60,000, ये 60, जब आमना सामना हुआ तो वो सरदार कहने लगा, जबला बिन अहम, देखा डर गए ना, मेरा नाम सुनते ही डर गए, देखो सुलह करने आ रहे हैं मुझसे, सुलह करने, आज मैं ऐसी शर्तें रखूंगा ये जलील हो जाएंगे। उसके बाप को भी नहीं पता कि लड़ने आ रहे हैं। जब सामने आके खड़े हुए तो अब सफों में से आगे आ गया, कहने लगा आज ऐसी शर्तें रखूंगा तो मैं छोटी का दूध याद आए। हसाल ने कहा कौन सी शर्तें? कहा तुम क्या करने आए हो? कहा लड़ने। कहा तुम सुलह करने नहीं आए? कहा नहीं, लड़ने आए। वो भी आगे अरब था। कहा जाओ जाओ तैयारी करके आओ। अरब की माओ का मैं ताना नहीं सुनना चाहता कि जबला ने 60 आदमियों पे 60,000 से हमला कर दिया। वो भी बेचारा बदबख्त अरबी था, कुफर में मर गया। हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया तू आके हमसे तो निमट ले, फिर तू बाद में देख लेना कि मैदान किसके हाथ में और झंडा किसके हाथ में। तू आ तो सही। वो तैयार नहीं हो रहा कि मेरी भी गैरत गवारा नहीं करती। उन्हें हमले का हुक्म दिया। जब खालिद नहीं टले, उन्हें हमले का हुक्म दिया। 60,000 हमला करने जा रहे हैं, 60 आदमी, 60। ज़रार इब्ने अज़वर ने जिंदगी में एक दफा जिरह पहनी, वो यही लड़ाई थी, ना इससे पहले पहली नमाज में पहनी। 60 नहीं टूट सकी, हमला नाकाम हो गया। तो दूसरा हमला किया, 60 नहीं टूट सकी, 60 आदमी, 60,000 तसव्वुर करो। फिर तीसरा हमला किया, 60 टूट गई। जब 60 टूटी तो खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया 6-6 की टोलियां बन जाओ, 6-6। तो 6-6-6-6 ऐसे टोलियां बन गए। मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जोर जोर से उस वक्त ये कुरान पढ़ रहे थे, इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बि अन्न लहुमुल जन्नत युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून वादन अलैहि हक्का फिल तौरात वल इंजील वल कुरान फमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिह वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ये आयात पढ़ी जा रही है और ईमान में बहार आ रही है। खालिद इब्ने वलीद 6 आदमियों के साथ, खालिद बिन वलीद, फजल इब्ने अब्बास, जुबैर इब्ने अवाम, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और ज़रार इब्ने अज़वर और राफे इब्ने उमैरा अत्ताई, ये 6 आदमी एक टुकड़ी में थे। 6 आदमी, इनमें राफे, वो राफे डाकू बता रहा हूं, डाकू, वो डाकू कहां जा चुका है, वो कितना बुलंद हो चुका है, वो क्या काम किया था मेरे नबी ने, क्या काम किया था मेरे नबी ने जिसने डाकुओं को ऐसा ऊंचा पहुंचा दिया कि अर्शन की दुआओं पे हिलने लग गया। तो उबादा बिन सामित फरमाते हैं, लिल्लाह दर खालिद इब्न वलीद, मैं कुर्बान जाऊं, खालिद जैसा माए को रोज तो नहीं जनती। 20 हमले किए खालिद बिन वलीद पर 60,000 के जत्थे ने कि इसको मिटाओ तो फिर सारा काम आसान है। 20 हमले हुए और जुबैर इब्न अवाम और फजल इब्न अब्बास ये दोनों आगे बढ़ जाते थे और कहते थे, फजल इब्न अब्बास कहते, अना फजल इब्न अब्बास वहादा जुबैर इब्न अवाम तबाअदू या माशर अल किलाब अना सहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नादानो, मैं हूं अब्बास का बेटा फजल और ये अल्लाह हमारा साथी है, वो अब भी साथ देने को तैयार है, पर कोई तौबा तो करे, कोई इसको मनाए तो सही। जब बाजारों में गाने की मौसीकी की आवाजें हों और घरों में माओ को जलील किया जा रहा हो और बाप को धक्के दिए जा रहे हों और भाई भाई के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा हो और दुकानदार का तराजू गलत तोड़ रहा हो और शराब आम हो चुकी हो, जुआ आम हो चुका हो, तो शुक्र करो हम जिंदा हैं, हम पे पत्थर नहीं बरसे, हम पे आग नहीं बरसी।
अल्लाह से सच्चा साथी कोई नहीं, अल्लाह से सच्चा दोस्त कोई नहीं, पर उसको साथ लेने का एक तरीका है जो हमसे छूटा हुआ है। मैं हूं अब्बास का बेटा फजल, ये है आवाम का बेटा जुबैर, और ये कहकर दोनों हमला करते और ऐसे शेर की तरह आते कि आगे बकरियों की तरह वो बनो गस्सान पीछे हटते। 20 हमले किए, 20 के 20 उन्होंने तोड़ के रख दिए और ये 6 की टुकड़ी को तोड़ कोई न सका। असर तक और आए हाय, अबू बैदा कहने लगे खालिद ने हलाक कर दिया मेरे साथियों को। सारे सहाबा थे ना, ताबे कोई नहीं था, का खालिद ने सहाबा को शहीद करवा दिया। मैं उमर को क्या जवाब दूंगा? कहने का उठो तैयारी करो, चलो हमला करो। अबू सुफियान कहने के बैठ जाओ, अबू बैदा बैठ जाओ, अब तकदीर का इंतजार करो, या भेजते नहीं, या भेजा है तो इंतजार करो, अगर वो कत्ल हो गए तो उसमें गम की क्या बात है, जन्नत में जाएंगे, लेकिन अब जाना बुजदली है, बैठो। अभी ये दोनों सरदारों की आपस में बात हो रही है, अबू उबैदा जोर दे रहे हैं कि निकलो, अबू सुफियान कह रहे हैं बैठो अब नहीं निकलो। अभी दोनों एक दूसरे को कायल नहीं कर सके कि एकदम वहां से भागने की आवाज आई। क्या देखा कि वो 60,000 का लश्कर भाग रहा है और उनके तबल भी रह गए, ढोल भी रह गए, और उनको अपनी जान की पड़ गई। और अबू सुफियान ने कहा अब चलो। अब जाकर पहुंचे तो क्या देखा, खालिद इब्ने वलीद 20 आदमियों के साथ खड़े हुए और 40 आदमी गायब हैं, और खालिद इब्ने वलीद से अपने मुंह पे हाथ मार रहा है, 40 सहाबे रसूल शहीद हो गए, हाय ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तो उस वक्त राफे रजी अल्लाह ताला कहने लगे, अब भाई देखो तो सही, शायद पीछे ना चले गए हो, लाशें देखो। लाशों को देखना शुरू किया तो 5,000 लाशें थी अरब ईसाइयों की, और सहाबा को देखना शुरू किया तो टोटल 10 आदमी शहीद हुए थे सुबह से असर तक, टोटल 10। तो खालिद बिन वलीद की जान में जान आई, कहेंगे तो फिर बाकी 30 किधर हैं, बाकी 30 कहां गए? तो कहा जरूर वो उनके पीछे चले गए होंगे। खालिद बिन वलीद ने नारा लगाया था भागने वालों के पीछे मत दौड़ो, देखो जोश में पीछे कुछ भाग गए होंगे, का जरूर वो पीछे चले गए होंगे, तो कौन उनका पता करेगा? तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया मैं ही जाऊंगा। तो अबू उबैदा कहने लगे तो सारे दिन का थका भी है, जख्मी भी है, तू आराम कर, तेरी जगह कोई और चला जाएगा। कहने लगे आराम तो इंशाल्लाह जन्नत में करेंगे जाके, अमर राहत फगदन इंशाअल्लाह फिल जन्नत, आराम तो जन्नत में होगा इंशाअल्लाह, यहां आराम नहीं काम है। और एड़ लगा दी, थोड़ी दूर गुजरे थे, गए थे तो आगे घोड़ों को टाप, तो उन्हें तकबीर पड़ी, आगे से तकबीर की आवाज आई, तो वो फजल इब्ने अब्बास की आवाज थी। तो जब करीब आए तो अल्लाह का मैं तो कहां चले गए थे, कहा हम ना रह सके, हमें कहा इनको और मारो, हम उनके पीछे भागे थे, वो 30 आदमी पीछे भागे, उनमें 5 कैद हो गए और 25 वापस आ गए, उनमें जरार इब्ने अजवर भी थे जो कैद होने वालों में थे, 4 और गैर मारूफ थे, मारूफ मशहूर हस्तियों में जरार इब्ने अजवर रजी अल्लाह तआला अन्हु, 4 आदमी और। फिर खालिद इब्ने वलीद उनको छुड़ा कर मिला, वो फिर अलग कहानी है, वो तो फिर मैं सारी तारीख सुनाना शुरू कर दूंगा। तो फिर उनको कैसे छुड़ाया, कैसे लेकर आए, अल्लाह की कैसी गैबी कुदरत और ताइरें उनके शामिल हाल हुई। मैं ये बताना ये चाहता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर पैसे के, बगैर मुल्क के, बगैर माल के, बगैर इख्तदार के, बगैर सोने चांदी के, वो क्या काम किया था जिसने डाकुओं को इतना ऊंचा पहुंचाया कि हाथ उठाते तो दुआएं कबूल होती थी।